हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही खुशी से होंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखें, आपके घर में बरकत, उन्नति, तरक्की बनाए रखें, घर के सदस्य आपका नाम रोशन करें, घर के लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को प्यार करें। यही मैं दुआ और आशीर्वाद प्रातःकाल आपको देती हूँ। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत खास है। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपको मिलती तो होगी लेकिन कई बार आपकी समझ से परे है। कई बार लोग कहते हैं ना, बड़ा सोमवार, बड़ा मंगलवार, बड़ी अमावस, बड़ी पूर्णिमा। हर त्यौहार अपने आप में बड़ा है, बड़ा छोटे में विभाजन उसका होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या है कि आपके मन में भय पैदा करके, आपको डरा कर लोग अपने वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, भय ना खाएँ। जो भी आध्यात्मिकता है वो भय से बहुत परे है, भय को दूर करने वाली है। और एक चीज़ मन में आप ये बिठा लीजिए कि कुछ भी करने से भगवान आपका कभी बुरा नहीं करेंगे, ये चीज़ मान के चलना। जो भी आपका परमात्मा है, परमात्मा इसीलिए कि वो सर्वोच्च शक्ति है और वो इन सब की भावनाओं से परे हैं। लेकिन कई बार जब आपके जीवन में पूजा करने के बाद भी बुरा हो जाता है कुछ, तो उसको आप पिछले जन्म से सोचिए कि पिछले जन्म के कुछ कर्माज हैं जो इस जन्म में आपने भोगे हैं, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ दंड नहीं है। वो आपको सिर्फ ये एहसास कराने के लिए किया जाता है कि आप अपनी भक्ति को और मजबूत कीजिए और कहाँ कमी रही है इस बात को जानने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करता है, तो ये कभी मत मानना। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कष्ट तो पाते ही हैं। क्योंकि आप ये मान के चलना कि सज्जन लोग, सही रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा परेशानी में रहते हैं। मैंने भी बहुत सी परेशानियों का सामना करा है जब मैंने सत्य का दामन हमेशा थामा है और अभी भी थामे रहती हूँ। लेकिन मैंने कई बार खुद ने भी महसूस किया है कि सत्य बोलने की जगह अगर झूठ बोल दिया जाता तो एक चुटकी में काम हो जाता मित्रों। लेकिन फिर भी मैं गर्व के साथ कहती हूँ, मैंने झूठ का दामन कभी थामा ही नहीं। मुझे एक सड़ांग आती है जब कोई झूठ की बात करता है, जब कोई गलत बात करता है, जब कोई बिल्कुल घटिया किस्म की बात करता है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात करता है, तो मुझे एक अजीब सी सड़ांग आती है और मुझे लगता है मैं एक किकआउट कर दूँ, उनको भगा दूँ। क्योंकि मुझे हमेशा ये पसंद आया है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यही बोलूँगी कि कष्ट तो आएंगे। आप अगर पुराने, मैं अपने आप को किसी स्पिरिचुअल गुरु की शरण कैटेगरी में नहीं रखती हूँ, मैं बहुत ही सामान्य महिला हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत सामान्य गृहस्थिन हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपना जो मनोबल हमेशा ऊंचा रखा, मैंने हमेशा सत्य का दामन थामे रखा और अभी तक अड़िग रहती हूँ। मैं अड़ जाती हूँ अपनी बात पर अगर मैं जो मुझे लगता है कि सही है। मैं अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए समझौता नहीं करती हूँ अपने आदर्शवाद से। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि परमात्मा में अगाध श्रद्धा रखो, परमात्मा कभी आपका बुरा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, छोटा मोटा परिवर्तन आप अपने पूजा गृह में कर सकते हो जो कई किस्म की गलतियाँ पैदा करते हैं। वो चीज़ क्या है मैं बताती हूँ। विशेष रूप से आज जो प्रकाश डाल रही हूँ वो मूर्तियों पर डाल रही हूँ, क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि पूजा घर में या घर में ऐसी कौन सी मूर्तियाँ हैं भगवान की जो नहीं रखनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, तो फिर भगवान की मूर्ति घर में रखने से कुछ गलत क्यों हो जाता है? इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि भगवान के कई रूप हैं, सौम्य रूप भी हैं, रौद्र और उग्र रूप भी हैं। जैसा कि हम जो चीज़ देखते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। गर्भावस्था में बोला जाता है कि बाल कृष्ण के स्वरूप को आप देखो तो बच्चा एक गुणवान और अच्छा पैदा होगा। तो वो चीज़ सही है। हम जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द देखते हैं वो हमारे मनोमस्तिष्क पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव जरूर डालती है। तो यदि आप ऐसा करते हैं कि भगवान का जो उग्र रूप है उसको आप बार बार देखते हैं, तो आपके अंदर भी उग्रता वाले भाव आएंगे। तो भगवान का कौन सा रूप है जो आपको अपने मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, जो बर्बादी लाता है? पहली चीज़ है भगवान का जो, एक तो काली माता का जो स्वरूप है, काली माता अपने आप में शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन काली माता का उग्र रूप है, माँ का उग्र रूप, मतलब माँ हमेशा बच्चे पर गुस्सा करती रहे, माँ हमेशा गुस्सा करती रहे। लेकिन काली माता अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करती हैं, वो अज्ञानता और उस पर गुस्सा करती हैं। लेकिन माँ के इस रौद्र रूप को देखकर कई बार घर की जो महिलाएं हैं अपनी सौम्यता को भूल जाती हैं और वो अपने हक की मांग करने लगती हैं। मैं कहती हूँ हक सबको मिलना चाहिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ हक के, लेकिन प्यार से मनवाकर, प्यार से आप पूरे संसार को जीत सकते हो, प्यार से आप अपने घर पे एक महारानी की तरह राज कर सकते हो और उग्र स्वर में आप अपने सम्मान को खो सकते हो। तो यही कारण है कि काली माता का जो स्वरूप है महिलाओं को प्रशस्त नहीं किया गया है। माँ के पार्वती वाले सौम्य स्वरूप की ही पूजा घर में करनी चाहिए, बाहर जाकर करिए, विशेष प्रयोजन के लिए करिए। जो लोग एकाकी हैं, जो महिलाएं अकेली हैं और जिनको कॉन्फिडेंस चाहिए, जिनको अपने शनि को शांत करना है और स्ट्रांग करना है, शांत से मतलब वो जो नकारात्मकता वाला प्रभाव दे रहा है वो दूर करना है, तो काली माता की पूजा उनके लिए कोई गलत नहीं है।
लेकिन जो परिवार वाले हैं, घर परिवार, सास ससुर, बच्चे वाले हैं, उनके लिए प्रशस्त नहीं किया गया। तो काली माता का जो ये रौद्र रूप है, आपको अपने घर में विशेष रूप से अपने पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आता है नटराज की मूर्ति, जो कि भगवान भोलेनाथ के भी कई स्वरूप आप जानते हैं। भगवान शिव परिवार के साथ भी शोभा पाते हैं। इसके अलावा उनके शिवलिंग के रूप में अलग अलग स्वरूप है। तो शिवलिंग जो है बेसिकली घर में नहीं रखना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जिन घरों में शिवलिंग रखा जाता है वहाँ कहीं ना कहीं कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शिव दरबार, शिव परिवार का चित्र ही आपको घर में रखना चाहिए। बड़ी मूर्ति घर में रखकर शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है और आप मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं तो एक अलग बात है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है लेकिन आपने अपने मंदिर में शिव जी का भारी भरकम ईशान कोण में शिवलिंग रख दिया है तो फिर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा जो शिव जी का नटराज वाला स्वरूप है, जो लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं उनके घरों में अक्सर देखा जाता है, जो लोग गायक हैं, संगीतकार हैं, उनके घरों में देखा जाता है, गिफ्ट्स के रूप में भी नटराज का चित्र दिया जाता है, मूर्ति दी जाती है, स्टैचू दिया जाता है। लेकिन नटराज का जो मूर्ति होती है आपको अपने पूजा स्थान में तो भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। वो भी भगवान का तांडव वाला स्वरूप है और उस घर में आक्रामकता, तांडव, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करना, ऐसी प्रवृत्ति बहुत बहुत देखी गई है। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जिन घरों में ड्राइंग रूम में भी नटराज की मूर्ति होती है वहाँ भी मैंने मैरिज संबंधी दिक्कत देखी है, प्रैक्टिकली देखी है मैंने बहुत सारी वास्तु विजिट के दौरान। तो भगवान भोलेनाथ का भी सौम्य रूप ही आपको अपने घर में रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री जो कृष्ण का है, अर्जुन को जो महाभारत का उपदेश दे रहे हैं, वो भी आपको अपने बेडरूम और भगवान की जो पूजा स्थान है वहाँ नहीं रखना चाहिए। इसको आप अपने ऑफिस में लगा सकते हो, क्योंकि भले ही भगवान श्री उपदेश दे रहे हैं लेकिन वो है तो महाभारत का मैदान, और घर कभी भी महाभारत का मैदान नहीं होना चाहिए। जहाँ एक भाई प्रॉपर्टी के लिए दूसरे भाई से संघर्ष कर रहा है, एक भाई अपने हक के लिए दूसरे भाई से लड़ाई कर रहा है, हमें रामायण जी के आदर्श को अपनाना चाहिए। जहाँ एक भाई स्वेच्छा से अपना सब राजपाट छोड़कर वनवास की ओर अग्रसर होता है, दूसरा भाई उनकी चरण पादुकाओं को रख कर राज करता है। इस तरह के संस्कारों की हमारे घर में ज़रूरत है, ना कि लड़ाई झगड़े वाले स्वरूपों की। भगवान श्री कृष्ण का आप मनोहर स्वरूप माँ राधा के साथ या माँ रुक्मणी के साथ जरूर अपने घर में रखिए। उससे घर के सदस्यों के बीच प्यार पैदा होता है, गृहस्थी आदर्श गृहस्थी बनती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो स्वरूप है, क्योंकि हर जगह हर तरह की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति आप घर में रखो, तस्वीर रखो, तो वो भी विनाश का कारण बनती है, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल मूर्ति होती है और आप समर्थ नहीं होते कि आप ऐसे सिद्ध मूर्तियों की पूजा कर सको। किसी भी देवी देवता को जब आप घर में रखते हो, जागृत करते हो, प्राण प्रतिष्ठित करके रखते हो, तो उनके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है, और ऐसे में आपका जो घर परिवार है निश्चित रूप से उपेक्षा का शिकार होता है। किसी भी गृहस्थी को ये बताया गया है कि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है आपका घर परिवार, बच्चे, सास ससुर हैं, उनको उपेक्षित करके आप दिन भर पूजा पाठ में ही लगे रहो तो ये तो अपने आप में ही पाप है, फिर आपको अच्छा फल कैसे मिलेगा। तो पहले अपने घर के लोगों का ध्यान दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास कितना समय है और भगवान की मूर्ति वगैरह की आप पूजा कीजिए, क्योंकि घर परिवार की देखभाल करना अपने आप में भगवान की पूजा से कम नहीं है।